नवी मुंबई में आए सीपीआई जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भाजपा सरकार पर कड़ी आलोचना की है। सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में बीजेपी सरकार की बहुमत न होने के कारण फाइनेंस बिल में 40 अन्य बिलों का संशोधन किया गया है, जो कि पार्लियामेंट्री का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। भविष्य के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने वी एनॉमी प्रॉपर्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी ये कहा। वही कंपनी एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट ये प्रावधान किया जा रहा है, जिसके जरिए किसी भी पार्टी को फंड दिया जाएगा तब उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। साथ ही सीताराम येचुरी ने आईटी बिल पर भी थोड़ी रोशनी डाली और ये कहा कि आने वाले समय में आईटी अधिकारी बिना किसी कोर्ट कचहरी की इजाजत के बगैर सीधे आपके दफ्तर या कंपनी में छापेमारी कर सकते हैं। और दूसरे किस तरीके के अमेंडमेंट ला रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अमेंडमेंट ला दिया उन्होंने। क्या है अमेंडमेंट? वो पहले होता था कि कोई भी कॉरपोरेशन आप वो जो है दे सकता था किसी भी राजनीतिक पार्टी को 7.5% उसका जो मुनाफा है, यानी टैक्स देने के बाद जो मुनाफा बचता है उसके अंदर से 7.5% से ज्यादा जो है वो कोई कॉरपोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में नहीं दे सकता था। ये है कानून। वो 7.5% की सीलिंग हटा दी, यानी अब जितना चाहे कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। दूसरा क्या किया उन्होंने संशोधन, पहले हर कंपनी को ये बताना पड़ता था कि कौन सी पार्टी को उसने चंदा दी, अब जो है उसको हटा दिया, कहते हैं कि कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है किस पार्टी को दिया। इसका मतलब क्या है? शासक पार्टी जिन कंपनियों को क्या कॉन्ट्रैक्ट देगी, क्या टेंडर देगी, उसके बदली में जो पैसा वो लेगी उसके ऊपर वो कंपनी की सुरक्षा है कि पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कंपनी बहुत कुछ पैसा दे सकती है, 7.5% का कोई सीलिंग नहीं है। और तीसरा वो कंपनी जो है नगद पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, बैंकों में जाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगी, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है पार्टियों को दे देगी। ना पार्टी को बताना है ये किसने दिया पैसा, ना कंपनी को बताना है किस पार्टी को दिया पैसा। ये मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो मेड इजी आता ना किताबें जो बच्चों को जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो ये हाउ टू पॉलिटिकल करप्शन का मेड इजी का एडिशन है ये।